क्या हूँ? पूछ रही हूँ मैं तुमसे, पूरे रास्ते तुमने मुझसे बात भी नहीं की, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। इधर देखो, तुम इतनी बुद्धू लगती हो, मैं कैसे कुछ नहीं हुआ है? कुछ तो हुआ है, पूरे रास्ते तुम कुछ नहीं बोले। बताओ क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें? मुझे? हाँ, तुम इतनी अच्छी क्यों हो मेरे साथ? क्या? तुम इतनी अच्छी क्यों हो मेरे साथ? क्या? अरे ऐसे अचानक से? अचानक से नहीं, मैं काफी टाइम से बात सोच रहा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया ही नहीं, तो फिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो? और आज तुमने अपनी बहन को कह दिया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझसे भी ज्यादा भरोसा है मुझ पर। तुमने इतना कुछ कह दिया अपनी बहन को मेरे लिए, कैसे? क्या का क्या मतलब है? और भरोसा है तो है आरवी, क्यों का क्या मतलब? भरोसा है तो है, और रही बात खुशी दी की, तो आरवी वो थोड़ी गुस्से वाली है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। वैसे एक बात और है, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं क्या? वो खुशी दी तुम्हें पसंद नहीं करती, मतलब तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। ये जो हुआ ना वो सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब चीज़ें बिगाड़ दी, सब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मतलब यहाँ फैमिली वाले भी गुस्सा है मुझसे, क्योंकि सब मेरी वजह से हुआ है। और पर ठीक है ना, वो गुस्सा भी इसीलिए है क्योंकि मैंने चीज़ें बिगाड़ी है, गुस्सा होना उनका जायज़ है। और गुस्सा भी तो उसी से होते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं, खुशी दी भी इसीलिए मुझसे गुस्सा है क्योंकि वो प्यार करती है। सब मेरी वजह से हो रहा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आरवी प्लीज मुझे भूलिए दो, प्लीज। आरवी तुम बहुत सह रहे हो, किसी को दिखाते नहीं हो, मुझे समझ आता है तुम्हारे दर्द की पेन, पता है तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी चुप्पी से मैं सब समझ जाती हूँ, पर क्या बीत रही है अंदर ही अंदर, बहुत कुछ सह रहे हो आरवी, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm really sorry। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आरवी, तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना कुछ बोल दिया तुमने, और क्या बोला? और बोला तो तुम प्लीज हाथ छोड़ो ना मैं। पर हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो ना प्लीज, कुछ कुछ होता है। क्या होता है?